अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। जिन दोस्तों को ये मसला है, हमारी वीडियो देखने के बाद दोस्तों का मसला क्लियर हो जाए। तो ये मेरे पास मॉडल है नोकिया का, नोकिया 130। इसका मसला ये है कि हम इसको जब भी चार्जिंग पर लगाते हैं, चार्जिंग शो तो करता है लेकिन स्टोर नहीं करता। यानी कि लगा रहता है, चलता रहता है लेकिन स्टोर नहीं करता है। तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। तो मैं आपको बताता हूँ, बस आपने एक जंपर करना जिससे लगानी है, जिससे आपको मसला क्लियर हो जाएगा। तो आपने जो है सिंपल ये जो है चार्जर के अंदर लगा होता है रजिस्टर, सिंपल यानी कि आपने कोई ऐसा चार्ज लेना है जिसका यानी कि चार्जिंग ना करता हो, चार्जर ख़राब हो, उसके अंदर आपको इस तरह की डायोड मिल जाएगी। ये नज़र आ रही है डायोड हो गई, और एक और होती है रेड कलर की, वो भी इसके अंदर लगी होती है। वो मैंने ऑलरेडी ना बार के ना इस यहाँ से लगा ली है। वो आपको दिखाता हूँ आपने कैसे जंप करना। तो आपका जो मसला है, ये जो ऑप्शन है, ये तकरीबन जितने भी चाइना के मॉडल हो गए या नोकिया के मॉडल हो गए, ये उन सर पे वर्क करता है। यानी कि जो मोबाइल यानी कि चार्जिंग शो तो करता है लेकिन चार्जिंग स्टोर नहीं करता, तो ये ऑल इन वन इसका प्रोसीजर है। तो अगर आपका मसला क्लियर हो जाए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जहाँ से आपको समझनी है आप मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ रिप्लाई करूँगा। तो बताता हूँ कि आपने इसको कैसे जंप करना है। तो लाजमी है कि आपके पास कोई ऐसा चार्जर हो जो ख़राब हो, उसके अंदर यानी कि रेजिस्टेंस लगी हो या ये इस तरह की डायोड लगी हो, इससे भी काम चल जाता है। लेकिन मैंने जो है रेड कलर की जो होती है उसको मैंने उतारा है और लगाया है। तो यहाँ देखें, ये देखें इसके यानी कि आईसी वगैरह भी क्लियर हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको। तो मैंने यानी कि यहाँ से जंपर किया है, तो आपने सिंपल ऐसे ही जंपर करना है। कोई भी आपके पास चाइना का मोबाइल हो गया, नोकिया का मोबाइल हो गया, तो आपने सिंपल यहाँ से जंपर करना है इस पॉइंट से। ये अटैच भी रहे यानी कि इस मोबाइल के साथ बेहतर है, अगर यानी कि ये चार्जिंग शो भी करेगा और जो यानी कि इसका जो चार्जिंग स्टोर वाला ऑप्शन है वो भी करेगा। तो कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो यानी कि अगर आपको ये डायोड लगा देंगे तो ये यानी कि चार्जर निकाल दिया तो ये चार्जिंग यानी कि निकालने के बाद ही शो करते हैं तो चार्जर हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का मसला हो जाए तो आपने यानी कि बेहतर तो ये है कि आप इसको ट्रैक जैसे हम अपना आप जैक लगाते हैं, सिंपल आपने वैसे जैक लगाना है और आपने यहाँ से जंपर करना है। और यहाँ पर आने के बाद लगाई हुई आपको नज़र आ रही होगी, आपने यानी कि जमा वाले निशान से लगा देना, यानी कि जमा से आपने जंपर करना है, जमा वाले पॉइंट से जंपर करना है। तो आपने यानी कि ये याद रहे, ये आपको जो ब्लैक पॉइंट नज़र आ रहा है इसको आपने यानी कि बैटरी कनेक्ट के साथ अटैच करना है। ये आपको उम्मीद है कि इसी तौर पर नज़र आ रहा होगा, यानी कि ये देखें ये निशान जो है ब्लैक का आपने बैटरी से अटैच करना है। और इसको जो विदाउट ब्लैक होगा, हल्का ब्लैक होगा, आपने इसको यानी कि जो चार्जिंग बेस होगी अपने वहाँ से इसको जंपर करना, तो आपको जो मसला है क्लियर हो जाएगा। तो अगर वही बात दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, यानी कि अगर कोई भी ऐसा मॉडल है जो चार्जिंग स्टोर नहीं करता, तो अगर आपने जैक इसके साथ ऐसे लगा दी जैसे मैंने यानी कि जैक थी जंपर करके लगाया हुआ है, तो आपका जो मोबाइल है अगर चार्ज निकालने के बाद भी शो करता है, तो आपने यानी कि यहाँ पर नीचे हल्की सी कोई टेप वगैरह लगा देनी और आपने डायरेक्ट यहाँ से जंपर करना है, और आपने सेम इस तरह जंपर करना है या डायोड लगाने के बाद, तो आपका जो मसला है 100% क्लियर हो जाएगा। उससे ये होगा कि आपका जो मोबाइल है वो शो नहीं करेगा, यानी कि इस चीज़ को कहते हैं फेक चार्जिंग, यानी कि वो फेक चार्जिंग वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तकरीबन आधा पौने घंटे में आपकी जो बैटरी है फुल हो जाएगी। तो अगर आपको बात को ऐसे होता है कि जैक लगाने के बाद जैसे फेक चार्जिंग लगाने के बाद अब आप कहते हैं कि चार्जिंग का पता कैसे चलेगा, तो उससे ये होगा कि आपने यानी कि डायरेक्ट इसको चार्जिंग पर लगाना है, बैटरी नहीं लगानी। बैटरी लगाने के बाद आपने डायरेक्ट यानी कि इसको चार्जर लगाना, आपका जो मोबाइल है वो सामने यानी कि लोगो आके रुक जाएगा, लोगो पे यानी उसे पता चल जाएगा कि आपका जो मोबाइल है वो करंट ले रहा है और आपका जो मोबाइल है वो चार्जिंग स्टोर भी करेगा। तो उम्मीद है कि आज का ये टोटल जो आपको बताया है वो आपको पसंद आया होगा, और सिंपल आपने ऐसे ही करना तो आपका जो मसला है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो में इजाज़त। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।